यूपी के बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते युवक को गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां निर्माणाधीन मकान की छत पर सो रहे युवक पर अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। दरअसल मामला बांदा जनपद के बदौसा थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजा दुवरिया का है, जहां के निवासी युवक हैदर अली उर्फ पप्पू पुत्र सुलेमान उम्र 46 वर्ष ने बाघे नदी के पुल के पास दुवरिया पुरानी चौकी के कुछ दूरी पर एक प्लॉट लिया था तथा उसमें निर्माण कार्य चल रहा था, जिससे वह छत पर अकेला सोया हुआ था। तभी अज्ञात लोगों ने उसके चेहरे पर गोली मार दी। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों द्वारा घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान कहाँ के रहने वाले हैं? बदौसा। ये कौन है आपके भाई? भाई क्या नाम है? हैदर अली। हैदर अली, ये बताइए किस बात को लेकर के क्या हुआ है, विवाद किस बात का था? ये तो पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा, कहाँ पे ये थे, कैसे लेके आए हैं, क्या जानकारी मिली थी आपको? चौकी के पास एक घर बन रहा था, वहाँ लेटे हुए थे और सोने पे ही गोली चली। अच्छा, कोई पहले से कोई आपसे विवाद था या घर करने से कोई विवाद, ऐसा कोई विवाद था? नहीं, वैसे थोड़ा सा घर को लेके विवाद था। अच्छा, जो कि घर बन रहा था उसमें थोड़ा विवाद था। अच्छा, उस मैटर को लेके हो सकता है। तो क्या लगता है कैसे गोली चली है, किसी ने मारा है या खुद मारी है? तो देखा नहीं गया। अच्छा, सोने पे ही चली। वहाँ पर आप मौके स्थिति पे गए थे क्या? गोली चलने के बाद हम लोग 5 मिनट बाद ही पहुंचे। तो क्या वहाँ पे कोई ऐसा तमंचा वगैरह या कोई बंदूक वगैरह मिली? नहीं, वहाँ पे। तो क्या लगता है किसी ने मारा होगा इनको? मारा तो नहीं। अच्छा, क्या कोई ऐसी कोई इनकी कोई आपसी विवाद या कोई ऐसी रंजिश संजिश पुरानी, कोई ऐसी कुछ नहीं थी? किस जगह पे पड़े थी ये? छत में। छत में थे? तो क्या जो घर बन रहा था उसी छत में थे क्या ये? उसमें दरवाजे वगैरह नहीं। अच्छा, संबंधित चौकी वगैरह गए थे आप? थाने में सूचना दी है? कोई पुलिस वगैरह साथ में आई? साथ में टाइम नहीं था। अच्छा, तत्काल आप लोग लेके भागे हैं? लेकर और थाने में सूचना दे के। क्या क्या बताया डॉक्टर ने जब यहाँ लाए हैं? यहाँ लाने में तो मृत घोषित हो गए। कोई असलाह वगैरह वहाँ नहीं मिला आपको? मौके की बात आती। वहीं दूसरी तरफ घटना की सूचना परिजनों ने संबंधित बदौसा थाना पुलिस को तत्काल दिया था, लेकिन बांदा जिला अस्पताल घंटे भर बाद बदौसा थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंची। वहीं अस्पताल में एसओजी प्रभारी मयंक चंदेल ने पहुंचकर उसके परिजनों से बातचीत कर पूरे प्रकरण की जानकारी लेते रहे और घटनास्थल पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वह शव को कब्जे में लेकर मर्चरी में रखवा दिया गया है। गोलीकांड का क्या मामला था, लगभग क्या था? 4 बजे करीब हैदर अली सन ऑफ सुलेमान, उनको भी करीब 40 वर्ष थी, जिनके सिर में गोली लगी हुई थी, उनको मृत अवस्था में उनके घर वालों सलमान के द्वारा लाया गया था। परीक्षण के उपरांत उनको मृत घोषित किया गया और उनके शव को पोस्टमार्टम भी था में रखवा दिया गया। डॉक्टर साहब, लगभग कितनी गोलियाँ लगी थी शरीर में? कुछ सिर में गोली का एक था।